हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज 3.3 को कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ और फॉर्मूलाज भी पढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने 13 फॉर्मूलाज लिखवाए थे, अब 14th फॉर्मूला है 3 थीटास के। लास्ट टाइम हमने पढ़े थे 2 थीटास के, लाइक साइन 2 थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा। इस बार हम पढ़ेंगे 3 थीटा। तो सबसे पहला है साइन 3 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, फिर कॉस 3 थीटा, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसको लर्न करने की टेक्निक है, इसको है 34, इसको है 43। 34 यानी 3 और 4, 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, 43 उल्टा, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। नेक्स्ट टैन 3 थीटा, ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 25 करते हैं। कॉस 6x को इसके इक्वल प्रूफ करना है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर एंगल 4x है, ठीक है, और मेरे को लेट्स से प्रूफ करना है 1 माइनस 2 sin² 1 माइनस 8 sin² x cos² x, यानी एंगल 4x था और तब तक उसे ब्रेक करना है, तब तक फॉर्मूलाज लगाने जब तक वो टूट के x ना बन जाए, ठीक है। सेम यहां पर है, एंगल 6x है, तब तक फॉर्मूला लगाओ जब तक एंगल x ना बन जाए। तो कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं? आई विल यूज cos 3 थीटा। देखो कैसे, यूजिंग cos 3 थीटा फॉर्मूला होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। अभी बात समझो, अगर यहां लेफ्ट में 3 थीटा है तो राइट में थीटा, अगर यहां मैं कर दूं 6 थीटा तो यहां क्या होगा 2 थीटा। ध्यान से समझना, अगर यहां 3 तो यहां 1, 3 थीटा और थीटा यानी 3 और 1। लेफ्ट में कर दूं 6 थीटा तो राइट में क्या हो जाएगा 4 cos³ 2 थीटा माइनस 3 cos² थीटा। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। आओ, तो cos 6x का क्या बनेगा, cos 6x क्या हो जाएगा मेरा 4 cos³ 2x माइनस 3 cos² x। अभी काम नहीं बना, नोटिस करो 2x है यहां पर, अगेन इसको तोड़ना पड़ेगा। इस बार फॉर्मूला यूज करेंगे 2 थीटा का, यूजिंग कॉस 2 थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा फॉर्मूला इसमें चार है। पहला है 1 माइनस 2 sin² थीटा, दूसरा है 2 cos² थीटा माइनस 1, तीसरा cos² माइनस sin² एंड 1 माइनस tan² अपॉन 1 प्लस tan². तो सवाल ये आता है कि सर कौन सा वाला यूज होगा। आई होप आपने इतना आइडेंटिफाई कर लियो कि 2 cos² थीटा माइनस 1। कैसे पकड़ा कि सर जो प्रूफ करना है उसमें सिर्फ कॉस की टर्म्स है और दूसरा माइनस वन है, तो ऐसा एक ही फॉर्मूला फिट बैठता है 2 cos² थीटा माइनस 1। यूजिंग कॉस थीटा 2 cos² थीटा माइनस 1 कर दो। अब इसको यूज कैसे करना है, ध्यान से देखना। 4 cos³ 2x, cos³ 2x मींस cos² x का होल क्यूब माइनस 3 cos² x कर दो, 4 cos² x पे लगा दो 2 cos² x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 2 cos² x माइनस 1। अब यहां लगेगी a माइनस बी का होल क्यूब विच इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² कर दो, 4 a क्यूब 2 cos² x का होल क्यूब
माइनस वन क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री इंटू टू कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू वन प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वन का स्क्वायर माइनस सिक्स, इसे ओपन कर रहे हैं, सिक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, फोर, ये क्या बनेगा अंदर, एट कॉस की पावर सिक्स एक्स माइनस वन, इसे कर दो टू का स्क्वायर फोर कॉस की पावर फोर, थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व कॉस की पावर फोर एक्स प्लस थ्री इंटू टू सिक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री, ब्रैकेट्स ओपन, थर्टी टू कॉस की पावर सिक्स एक्स माइनस फोर माइनस फोर्टी एट कॉस की पावर फोर एक्स प्लस ट्वेंटी फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री। अब जरा अरेंज कर देते हैं, थर्टी टू कॉस की पावर सिक्स एक्स, अब अगला क्या है फोर वाला, तो माइनस फोर्टी एट कॉस की पावर फोर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स प्लस एटीन कॉस स्क्वायर एक्स, और कुछ एरर हुआ कहीं पे, कहाँ हुआ है ये देखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, या हियर इट इज प्लस थ्री, करेक्शन प्लस थ्री, क्योंकि यहाँ जब खोलेगा माइनस थ्री का तो माइनस फोर प्लस थ्री दैट इज माइनस वन, यही प्रूफ करना था, आर एच एस हेंस प्रूफ। अब एक क्वेश्चन और है, एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थर्टीन पाई बाय ट्वेल्व, इसको देख के बच्चा घबरा जाएगा, ओके भाई पेपर में छोड़ के आ जाएगा, कुछ नहीं है बेटा, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, टैन थर्टीन पाई बाय ट्वेल्व को कैसे करेंगे, ब्रेक कर दो, टैन ट्वेल्व पाई प्लस पाई अपॉन ट्वेल्व, फिर क्या करते हैं सेपरेट टैन ट्वेल्व पाई बाय ट्वेल्व, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ पाई प्लस पाई बाय ट्वेल्व, पाई 180, ये क्या बन गया मेरा, ये हो गया टैन 180 प्लस थीटा प्रिंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 0 90 180 270 360, 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टैन आफ्टर स्कूल टू, तो क्या हो जाएगा टैन थीटा, क्या हो जाएगा मेरा टैन पाई बाय ट्वेल्व, अब टैन पाई बाय ट्वेल्व क्या हो जाएगा, अब यहां गड़बड़ी होती है, इसका आंसर कैसे निकाले बेटा, सुनो टैन पाई बाय ट्वेल्व को एक काम करो ना, डिग्री में कन्वर्ट कर लो, पाई बाय ट्वेल्व क्या हो जाएगा, पाई बाय ट्वेल्व इंटू वन एटी बाय पाई दैट इज 15 डिग्री, ये हो गया टैन 15, अब टैन 15 की वैल्यू हमने पहले भी निकाली हुई है, कहाँ पर, अगर आपको याद हो हमने करा था, हियर इट इज, ये रहा टैन 15, बस इसमें ये पॉइंट था, तो मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन अब आप खुद ब खुद करें, टैन 15 को क्या लिख सकता हूं, टैन 45 माइनस 30, चलो करा देते हैं, लगा दो टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन वन प्लस टैन ए टैन बी, टैन ए tan 45 minus tan 30 upon 1 plus tan 45 into tan 30,
वन माइनस वन बाय रूट थ्री अपॉन वन प्लस वन इंटू वन बाय रूट थ्री, वन माइनस वन बाय रूट थ्री अपॉन वन प्लस वन बाय रूट थ्री, एलसीएम करो, रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री, रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री, रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, रैशनलाइज, रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, कर दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन थ्री माइनस वन, ये हो गया फोर माइनस टू रूट थ्री अपॉन में टू, टू कॉमन टू माइनस रूट थ्री अपॉन में टू, टू माइनस रूट थ्री इज द आंसर, करो इससे नोट। इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल 14, वेरी इंपॉर्टेंट।